है और प्राइजिंग का गारंटी देता हूँ, ये प्राइज में आपको कोई दे दिए मैं मान जाऊंगा। सही है, प्राइज प्राइज ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया गारंटी देता हूँ। मतलब कॉम्पिटिटर्स वो बोलते कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, 20-25% का और प्राइजिंग गिरने का चांस। अभी तक 10,000 का डिफरेंस चल रहा है, धीरे 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 वो भी खत्म होने वाला है, वो भी कवर हो जाएगा। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, इंश्योर अच्छे दिन आने वाले, बराबर अच्छे रंग। अभी एक्चुअली आप देखा जा रहे हो कि माइनिंग के जो ग्राफिक कार्ड है वो सब पीछे से सब फिर से आ रहे, रिटर्न आ रहे, कोई भी कुछ भी बना के चले जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक्चुअली 10 ईयर से मार्केट में है, आप किधर भी पूछो मेरा रेटिंग देखो, ये देखो वो देखो, सब जगह चीज देखो, बाद में मेरे को बताओ कि ये चीज में प्रॉब्लम। तो भी एक बार कस्टमर को चाहिए रहेगा एक बार कॉल करो, सीओडी अवेलेबल है, ट्राई करेंगे होता रहेगा तो। और एक्चुअली बहुत जन को नॉलेज नहीं है वो चीज का, बहुत जन को नॉलेज पब्लिक को क्या है, एनवीडिया 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 और इसके अंदर एएमडी के अंदर है। चले दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं लेवेंटन रोड पे खड़ा हूँ मुंबई में, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जिसकी आप बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे थे। फाइनली जिस स्टोर की आप डिमांड कर रहे थे उस स्टोर की वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। जिस स्टोर पे आज मैं आया हूँ उसका नाम है राइट सॉल्यूशन, जो कि मुंबई में लेवेंटन रोड पे स्थित है। और इसकी प्राइसिंग आप लोगों को पता ही है क्या नेक्स्ट लेवल रहती है। तो अभी हम स्टोर के अंदर चलते हैं, सभी प्राइसिंग के बारे में जानते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं। राहुल भाई हमारे साथ में, कैसे हो राहुल भाई आप? एकदम ठीक, एकदम। बहुत दिनों के बाद में दिख रहे हो। टाइम के बाद में एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली थोड़े टाइम तक बाहर गया था तो फिर उसके हिसाब से क्या वीडियो नहीं आ पाए। तो अभी एक्चुअली बाहर से कहीं से आया तो इसके हिसाब से मैं बोला वीडियो बनाना चालू कर दे। अभी फाइनली वीडियो आई है तो प्राइसिंग एकदम बबाल चाहिए मेरे को। प्राइसिंग एकदम बेस्ट मिलेगा, ऑल इंक्लूसिव जीएसटी रहेगा, सब कुछ एकदम एकदम बॉक्स पैक पीस रहेगा, सब लेटेस्ट मैन्युफैक्चर का रहेगा, सब चीज लेटेस्ट होने वाला और प्राइसिंग सबसे बेस्ट। अभी इधर देख सकते हो, मतलब पूरे ग्राफिक कार्ड बिल्कुल लाइन में लगा लिया है। इधर भी आप देख सकते हो पूरे ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, पीछे भी हमने लगा दिया है, मतलब पूरे ग्राफिक कार्ड ही ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बार मतलब अपनी स्टोर के बारे में थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए। मेरा शॉप आता है राइट सॉल्यूशन करके, राइट सॉल्यूशन है, इधर है ना लेमिंडन रोड, ग्रैंड रोड ईस्ट के अंदर है, ग्रैंड रोड ईस्ट के अंदर है शॉप, या मतलब अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने है, सबसे फर्स्ट दुकान है राइट सॉल्यूशन, लेमिंडन रोड, ग्रैंड रोड ईस्ट, फर्स्ट दुकान है 295 ओम निवास बिल्डिंग। प्राइसिंग हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, पर उससे पहले मेरे थोड़े डाउट क्लियर कीजिए। तो आपकी जो प्राइसिंग है वो मतलब जीएसटी इंक्लूडिंग रहती है मतलब या नहीं? सब इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा, विद प्रॉपर टैक्स के साथ मिलेगा, ग्राफिक कार्ड का बिल, ग्राफिक कार्ड लो, प्रोसेसर, पूरा डेस्कटॉप सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ मिलेगा सब। एक बार मेरे को आप ये बताइए, जैसे आप के ऊपर थोड़े ऑब्जेक्शन भी उठाए जा रहे थे अभी, तो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना? पहले जो वीडियो आया था वो सब पहले से पेड किया हुआ था, किसी ने पेड करके उसको लाया हुआ था, तो उसके हिसाब से देखो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली कस्टमर्स आए, कस्टमर्स ट्रस्ट के हिसाब से रहते हैं। अब मेरे गूगल रिव्यूज देख लो, पूरे किधर भी 1.4 करके मेरा रिव्यूज है पूरा, मतलब किधर भी इतना रिव्यूज मिलते नहीं है, पूरे लेमिंगटन पे सबसे ज्यादा रिव्यू मेरा। आप रिव्यू चेक करो उसके बाद में बताओ कि कैसा शॉप है। आप इधर आओ, आपको सामने सामने पता चलेगा कि क्या होता है। किसी भी वीडियो के थ्रू तो आप देख नहीं सकते हो, आप सामने सामने आओ, सामने सामने बैठो, सब जब भी पता चलेगा। सब बॉक्स पैक आएगा, सब सील पैक आएगा, अभी सब जो भी ग्राफिक कार्ड रहते हैं सब सील पैक आते हैं, जो भी रहेगा सब ग्राफिक कार्ड सील पैक आएगा, सब लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ रहेगा, सब चीज लेटेस्ट के साथ रहते हैं और सब विद ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ रहेगा सब। तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्राइसिंग किस तरीके की रहने वाली आज की? देखो अभी एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड के हिसाब से चालू करते हैं, एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड जैसे जीटी से 210 के हिसाब से चालू करते हैं, जीटी 210 610 जैसे ग्राफिक कार्ड रहते हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं चाहिए रहता, लेकिन तो भी मैं बताऊंगा। जीटी 210 रहेगा वो 2100 रुपीज का है, देन जीटी 610 करके ग्राफिक कार्ड रहता है वो 2600 रुपीज का ग्राफिक कार्ड आता है, देन जीटी 710 2GB का DDR3 वेरियंट है वो पड़ता है अपने को 3550 रुपीज का। ये हुआ नॉर्मल बेसिक ग्राफिक कार्ड। इसके बाद में जीटी 730 आसूस का जो ब्रांड आता है और 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड आता है वो पड़ता है 3825 रुपीज का, 3825। देन इसके बाद में GT 730 नेक्सट्रॉन कंपनी का आता है, नेक्सट्रॉन 4GB DDR3 का ग्राफिक कार्ड है, जैसे आप देख सकते हो 4GB DDR3 का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 4850 रुपीज का। ये हुआ 4GB का ग्राफिक कार्ड, सबसे चीप में एंट्री लेवल 4GB का ग्राफिक कार्ड है 4850 रुपीज का। देन इसके बाद में अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे GT 730 में 4850 में नेक्सट्रॉन हुआ, देन कलरफुल आता है जो 5000 रुपीज का है, अलग अलग ब्रांड्स आएंगे, गैलेक्स आएगा आपको 5200 रुपीज का, देन इसके बाद में GTX 950 करके ग्राफिक कार्ड है जो बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है, लेकिन हाँ बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है तो भी अभी भी आ रहा है वो ग्राफिक कार्ड, वो पड़ता है 8000 रुपीज का, 2GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है। ओके ओके, आपके पास में ब्रांड कौन कौन सी रहती है? मेरे पास हर एक ब्रांड मिलेगा, गैलेक्स, कलरफुल, इनो 3D, MSI, आसूस, आसूस ROG हो गया, गीगाबाइट हो गया, हर एक ब्रांड मिलेगा, सब सब अवेलेबल है सब चीज। सरकार का वैसे भी प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, वो आपको पता चलेगा 3050 के, अभी मैं 3050 के सबसे चलूंगा, प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अभी तो मतलब जो आपको चाहिए वो प्राइस तो अभी रह गए, वो भी आने वाले, अभी तो आने वाले, अभी बने रहिए वीडियो में। ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ प्राइसिंग बता रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सब जो प्राइसिंग दे रहा हूँ वो का वही प्राइसिंग मिलेगा आपको, सेम सभी सील पैक, सब सील पैक और लेटेस्ट मैन्युफैक्चर के साथ है, मेन चीज है लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। अभी एक्चुअली आप देखा जा रहे हो कि माइनिंग के जो ग्राफिक कार्ड है वो सब पीछे से सब फिर से आ रहे, रिटर्न आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग देख के ग्राफिक कार्ड लेना, किधर भी मैं बोलूं मैन्युफैक्चर देख के ग्राफिक, सब लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड 2022 का मार्च अप्रैल मई का मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा ना तो ही परचेज करना, बाकी मत करना। तो ठीक है राहुल भाई, मेरे को आप एक क्वेश्चन बताइए, प्राइस हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, तो मतलब एक ग्राफिक कार्ड अभी के टाइम में कोई ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए?
देखो इसके अंदर दिखना चाहिए पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट, देन सील पैक होना चाहिए, बाहर से अंदर से सब जगह से सील पैक होना चाहिए, अंदर का सीरियल नंबर और बाहर का सीरियल नंबर सब मैच होना चाहिए। मेन मैन्युफैक्चरिंग डेट ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट रहेगा अभी 2022 चल रहा है तो मई अप्रैल और जून जितनी नई है जितना नया उतना सबसे बेस्ट। ये ग्राफिक कार्ड ये सब चीज तीन तीन चीज है जो मायने रखता है, वो सब चीज आपको देखना चाहिए, जरूरी है, एकदम ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट मेन जीएसटी बिल ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होना चाहिए। तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। अभी GTX 950 जैसे बता मैंने 8000 रुपीस का है, देन इसके बाद में GTX 1030 है, 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है, वो गैलेक्स कंपनी का है, 6500 रुपीस का। देन इसके बाद में आपको अलग अलग ब्रांड है, जैसे MSI हो गया वो 6700 है, देन कलरफुल हुआ वो पड़ता है 6900 रुपीस का, अलग अलग ब्रांड हुआ। देन इसके बाद में GT 1030 4GB का ग्राफिक कार्ड है, 1030 पहले जो मैंने बताया था वो 2GB का DDR5 था, ये 4GB का DDR4 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 7600 रुपीस का। ये हुआ GT 1030 का ग्राफिक कार्ड। इसके बाद में GTX 1050 Ti जैसे Inno3D ब्रांड हुआ, MSI ब्रांड हुआ, ये पड़ता है अपने को 15400 रुपीस का। Inno3D पड़ता है 15400 रुपीस का और MSI पड़ता है अपने को 14500 रुपीस। मतलब ब्रांड वाइज 500-1000 रुपया डिफर करेगा। हाँ, मतलब Asus हुआ तो 16000 रुपीस का है, देन कलरफुल हुआ वो पड़ता है 15200 रुपीस का है, 15200 रुपीस का है, गैलेक्स हुआ वो 15000 रुपीस का है। सबसे चीप में चीप 1050 Ti है 14500 रुपीस विद ऑल इंक्लूसिव 3 इयर्स वारंटी के साथ, ऑल इंक्लूसिव 15200। ओके, देन इसके बाद में 1650 पे आते हैं, 1650 MSI का वर्जन है, 1650 MSI जो 1650 अभी देखो ये वाला है MSI का वेंटस एडिशन है, 1650 वेंटस एडिशन, ये पड़ता है अपने को 1650 18200 रुपीस का। MSI वेंटस DDR5 और DDR6 इसके अंदर दो आते हैं, DDR5 पड़ता है 18200 का और DDR6 पड़ेगा आपको 18500 रुपीस का, दोनों में 300 रुपीस का डिफरेंस है। ये हुआ MSI 1650। इसके अंदर गैलेक्स जैसे ब्रांड लोगे तो गैलेक्स पड़ेगा आपको 17500 का, 18200 में MSI है, 18500 में MSI का DDR6 वर्जन है और 17500 में गैलेक्स है। ये कलरफुल लोगे तो 17750, Asus लोगे तो आपको पड़ेगा 19500 का, अलग अलग ब्रांड है, और Zotac हुआ वो पड़ेगा आपको 19200। राहुल भाई मतलब अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर है वो मुंबई से बाहर रहता है, वहाँ पे डिलीवरी वगैरह हो जाती है? डिलीवरी सब कुछ सब अवेलेबल है, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया सर्विस है अवेलेबल, कुरियर करते हैं हम लोग सब कुछ आपको हर जगह। COD वगैरह कुछ? COD भी एक्चुअली है अवेलेबल, महाराष्ट्र में COD अवेलेबल है, महाराष्ट्र के अंदर COD अवेलेबल है, आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो भी एक बार कस्टमर को चाहिए रहेगा एक बार कॉल करो, COD अवेलेबल है, ट्राई करेंगे, होता रहेगा तो हम लोग, और उसके अंदर भी लेकिन कुछ कुछ है मिनिमम 20-25% कैश देना पड़ता है, बाकी सब COD हो जाता है, वैसा रहता है। ठीक है, तो अभी हम फीस प्राइसिंग बात। ये हुआ 1650 का ग्राफिक कार्ड, इसके बाद में 1660 का ग्राफिक कार्ड आता है, 6GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड आता है, 1660 ये पड़ता है 22200 रुपीस का। अंदर गैलेक्स ब्रांड आएगा, PNY ब्रांड आएगा, अलग अलग जैसे ब्रांड चाहिए, जैसे Zotac Otec चाहिए तो आपको पड़ेगा 24500 रुपीस का, Asus पड़ेगा आपको 25000 रुपीस का 1660। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं 1660 परचेज करने का, 1660 Ti लेना चाहिए या फिर 1660 सुपर, क्योंकि प्राइसिंग के अंदर जैसे जैसे 2300 अलग अलग ब्रांड्स है, सबके अंदर ज्यादा से ज्यादा 200-400 का ही डिफरेंस रहेगा मिनिमम, इतना रेंज है, 24 से डायरेक्ट 27 तक रेंज है 1660 सुपर का, उसके ऊपर कोई भी नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। अभी 1660 जैसे Asus ROG सुपर आता था, एक्चुअली मटेरियल नहीं आ रहा है तो बात करके फायदा नहीं है। देन इसके बाद में 2060 हुआ, 6GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, 2060 का 6GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 2060 का 25900। मतलब देखो प्राइसिंग कितना ड्रॉप हो चुका है, 2060 DDR6 का ग्राफिक कार्ड 25900 गैलेक्सी ब्रांड के अंदर, Inno3D ब्रांड आता है वो पड़ता है अपने को 26200 रुपीस का, Zotac आता है 27000 रुपीस का और कलरफुल आता है वो 26500 रुपीस का। ये सेम टू सेम Asus वासूस में जाना तो 27500। मतलब प्राइसिंग बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। देन इसके बाद में 2060 का 12GB का VRAM भी आता है, 12GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 32500 रुपीस का, ये हुआ गैलेक्सी ब्रांड। Inno3D लोगे 32700 का, Zotac लोगे 33500 का, बाद में कलरफुल लोगे 32900 का, ऐसे ऐसा प्राइसिंग है, और Asus लोगे आपको 34000 रुपीस का। और राहुल भाई मतलब जो आप ये प्राइस बता रहे हो मतलब फिक्स रहेगी अगर कोई पीसी बिल्ड कराता है तो थोड़ी बहुत? दो तीन अलग अलग डिपेंड है, एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड में 500 रुपीस का डिस्काउंट, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड में 1650 1050 Ti उसके ऊपर 2000 रुपीस का डिस्काउंट, 16 सीरीज 1660 के हिसाब से 3000 रुपीस का डिस्काउंट, मतलब ऐसे ऐसे आपको पीसी बिल्ड के ऊपर अलग से प्राइसिंग आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, वो डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम 5000 रुपीस सबसे बड़ा ग्राफिक कार्ड, मतलब 3070 3080 3090 वैसे ग्राफिक कार्ड जाओगे तो 5000 रुपीस का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और राहुल भाई मेरे को आप ये बताइए मतलब जो आपके प्राइस है मतलब मैं
जो मेरी पहली वीडियो थी, मैं बहुत ज्यादा उन वीडियो में क्वेश्चन पूछता था कि यार मुंबई में कम है, यहाँ पे क्यों नहीं है, तो यार घुमा फिरा के वहीं पे बात ला के रख देती थी भाई, कैश का खेल है सब कुछ, कैश का खेल है, नहीं है सब विद जीएसटी ही मिलता है सब। एक्चुअली हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट बिजनेस कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं, जो प्राइसिंग रहता है डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर, हम लोग का बिजनेस है, अभी आप कस्टमर आए तो आपको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग प्राइसिंग देते हैं। तो कैश वैश का कुछ नहीं था, सब ऑल इंक्लूसिव जीएसटी रहता है, ये लोग के वो लोग जीएसटी भरना तो ही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चीज के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और प्राइस आप दोगे ना, मतलब जो आप वीडियो में बता रहे हो, आपका कोई भी आया और जो भी बताएगा उनको भी बोलना कि आपको फोटोज वोटो सब कुछ आपको मिलेगा, कि हाँ ये सब चीजें ये प्राइसिंग में मिला है हम लोग को। ठीक है, तो अभी हम फिर से प्राइसिंग की बात करते हैं। 2060 12 GB था, उसके बाद में 2060 सुपर आता है 8 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, वो पड़ता है। एक्चुअली ये माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा चला है, बहुत ज्यादा चला है, लेकिन माइनिंग चलो ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है तो फर्क नहीं पड़ता है। 2060 सुपर जो ग्राफिक कार्ड है वो 36,000 रुपीज का है, 36 Inno3D ब्रांड आता है, गैलेक्सी ब्रांड आता है, दो ब्रांड में अवेलेबल है, 36,000 रुपीज का 8 GB DDR6 का। देन इसके बाद में 3050 अभी चालू होता है, एकदम सबसे बेस्ट वाले स्टार्टिंग कितने की बताई आपने इसकी? मिनिमम से मिनिमम मेरे पास अवेलेबल है इसका 26500 MSI, 26500 MSI। अरे वाह, बहुत अच्छी प्राइस है यार। MSI 26500, देन गैलेक्सी का 27 और जो RGB वाला गैलेक्सी का है वो 28, Inno3D है वो 28, अलग अलग ब्रांड्स है। बाकी देखो जाए तो इसमें MSI का भी, MSI गेमिंग एक्स करके आता है वो 31-32 का है, Asus ROG आता है वो 35 के अराउंड चालू होता है, Gigabyte का गेमिंग OC, वो सब ट्रिपल फैन है, ट्रिपल फैन के हिसाब से वो 34-35 के अराउंड चालू। लेकिन 3050 जो 34-35 था, ट्रिपल फैन था खर्चा करते हैं, वो सेंस नहीं पड़ता, इससे 3060 का प्राइसिंग सुनो, 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, इसमें ये सेम टू सेम 3060 ट्विन X2 करके आता है, ट्विन X2 सेम टू सेम में ट्विन X2 इसकी एकदम बेस्ट प्राइस है राहुल भाई। 3060 ट्विन X2 करके आता है वो 35,300 रुपीज का, 35,300 रुपीज का, 300 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 ट्विन X2 करके मॉडल नंबर है, वो पड़ता है 35,300 रुपीज का। okay. तो जो ट्रिपल फैन 3050 लेने जा रहे हैं वो रिकमेंडेड एक्चुअली नहीं है, 3060 पे जाओ, VRAM भी ज्यादा मिल जाएगा, कूड़ा कोस भी ज्यादा मिल जाएगा, ओवरक्लॉक भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट मिलेगी। हाँ, लुक वाइज सेंस नहीं है खर्चा कर, प्राइसिंग यार एकदम बेस्ट मिली है सही में, आज तक की मतलब जो वीडियो थी उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिली। मेरा प्राइसिंग एक्चुअली वैसे रहता है, अभी बीच में सीन हो गया था, उसके हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते। कस्टमर्स को मैं अभी भी बोलता हूँ सामने आओ, बात करो और सामने सामने क्लियर करो, बस वैसा रहता है, फेस टू फेस जो बात होती है, फेस टू फेस बात करो या फिर फोन पे बात करो, आपको ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बना के चले जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक्चुअली 10 ईयर से मार्केट में है, आप किधर भी पूछो, मेरा रेटिंग देखो, ये देखो, वो देखो, सब जगह चीज देखो, बाद में मेरे को बताओ कि ये चीज में प्रॉब्लम है। 3060 जैसे मैंने बताया ट्विन X2 करके 35,300 रुपीज का है, इसके अंदर MSI जाओगे तो 34,750 रुपीज का है मिनिमम, एक्चुअली मेरे पास MSI है 34,750 रुपीज। देन कलरफुल लोगे वो भी 35,300 रुपीज का है। देन आसूस वासूस जो आएगा, आसूस का डुअल वो सब पड़ता 37, जोटेक पड़ेगा आपको 37,500 रुपीज का, जोटेक 5 ईयर वारंटी ज्यादा देता है उसके हिसाब से। 3060 में ये आईचिल है, 3060 में आईचिल ये पड़ता है अपने को, ये ट्रिपल फैन है और फुल RGB एडिशन है। 3060 आईचिल ये पड़ता है अपने को 38,500 रुपीज, 38,500 रुपीज का आईचिल है। प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिर गई है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिर रहा है और भी गिरेगा, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना, भले से 100 भी अलग, मतलब कॉम्पिटिटर 100 बोलते हैं कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, 20-25% का और प्राइसिंग गिरने का चांसेस है, और चांसेस है 20-25% का चांसेस गिरेगा। और MSRP का क्या सीन है, मतलब MSRP देखो, अभी 3060 का MSRP देखा जाए तो 25-26,000 के अराउंड है, अभी तक 10,000 का डिफरेंस चल रहा है, धीरे 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 वो भी खत्म होने वाला है, वो भी कवर हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, इन शॉर्ट अच्छे दिन आने वाले बराबर। जैसे 3060 का बात किया, 3060 में कलरफुल मैंने आपको बताया 35,300, इसमें आई गेम करके आता है, बैटल एक्स 35,300 का एक बाद में आई गेम करके आता है, वो भी 38-39 के अराउंड मिल जाएगा, जो भी है सब कुछ बैक टू बैक पे आपको प्राइसिंग मिल जाएगा, मतलब क्वांटिटी जितना चाहिए मिल जाएगा, प्राइसिंग में मिल जाएगा। देन इसके बाद में 3060 Ti जो मतलब माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा था, 3060 Ti वो पड़ेगा मेरे को, आपको प्राइसिंग मेरे पास पड़ेगा आपको 44,300 रुपीज का, 44,300 रुपीज का 3060 Ti Inno3D, और ये सेम टू सेम MSI पे जाओगे आपको तो पड़ेगा आपको 43,000 रुपीज का, 43,000 मिनिमम से मेरे पास MSI है 43,000 रुपीज का, 3060 Ti 8 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, 43,000 MSI, 44,300 आपको Inno3D। ओके, अलग अलग वेरिएशन में जाओ कलरफुल तो 44,000, देन Asus डुअल में जाओगे आपको तो 46,500, बाद में ट्रिपल फैन में जाओगे तो आपको मिलेगा 47,500, 48,500 से चालू हो जाता है, मिनिमम मैक्सिमम आपको मिलेगा 52,500, 53,000 का 3060 Ti Asus ROG
आरओजी करते हैं, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करते हैं, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है आसुस आरओजी को इसके हिसाब से। मैक्सिमम 53 तक आपको मिल जाएगा हर एक ब्रांड का, 3060 हर एक ब्रांड का मिल जाएगा। ठीक है, तो 3070 की बात करते हैं, ये 43 से चालू होता है और 53 पे खत्म होता है, टोटल 10,000 का डिफरेंस में आपको हर एक ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा जो चाहिए आपको। देन इसके बाद में 3078 GB का ग्राफिक कार्ड है, 3078 GB का, ये पड़ता है अपने को 53,000 rupees का। आसुस आरओजी सेम क्वेश्चन सेम आंसर मैं यही करता हूँ, 53,000 आसुस आरओजी लो, सेंस नहीं पड़ता है, इससे अच्छा 3070 53,000 में ही 3070 का 8 GB ले लो DDR6, उसके अंदर कूड़ा कोस अच्छा मिल जाएगा, अच्छा गेमिंग कर देगा, 256 bit मिलता है तो परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा बस वैसे। 3070 मेरे पास चालू होता है 53,000 से 61-62,000 तक, उसके अंदर 53,000 में डुअल, 54,000 में ट्रिपल फैन मिल जाता है, 54,000 में ट्रिपल फैन MSI का वेंटस X3 करके आते हैं 54,000 मेरे पास। बाद में आसूस आरओजी वो सब पे आप देखा जाओगे 61-62 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। MSI गेमिंग X ट्रायो है, गेमिंग Z ट्रायो है, वो आपको 60 तक देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुआ 3070 का। देन इसके बाद में 3070 Ti, ये भी देख लो, 3070 Ti 8 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, 56,600। 3070 लेते हो, इससे अच्छा 3070 Ti ले लो, पूरा कुछ का फर्क है, सिर्फ 3,500 rupees का डिफरेंस है दोनों के अंदर, 3,500 rupees का, 56,600 में 3070 Ti मिल रहे हैं, डुअल फैन ओसी एडिशन। देन इसके अंदर ब्रांड्स भी, जैसे ब्रांड्स के साथ में आपको मिलता है, ब्रांड्स के अंदर 56,600 में गैलेक्सी है, जैसे इनो 3D मिल जाएगा आपको 59,500 rupees में, जोटेक वोटेक मिल जाएगा 65,000 rupees का, जोटेक का 5 ईयर वारंटी देता है, ट्रिनिटी ओसी है 65,000 rupees का ग्राफिक कार्ड है, एनबीए फाउंडर एडिशन आपको 61,000 तक मिल जाएगा, 3070 Ti फाउंडर एडिशन भी पड़ा हुआ है 61,000 तक मिल जाएगा आपको। राहुल भाई जैसे आप एकदम समझा समझा के बता रहे हो ना, ये नहीं ये अच्छा ये ले लो, इसी तरीके से हमारा कोई सब्सक्राइबर आता है ना तो उसी तरीके से उसका पीसी बिल्ड कराना है, सेम टू सेम ऐसे ही है, हम लोग जो भी रहेगा हम लोग सामने से बताते हैं इससे बेटर ये ले लो, इससे बेटर ये ले लो, हर एक नहीं होता है ना, हमारे कोई सब्सक्राइबर उसको इतना नहीं नॉलेज है, तो यार एक बेस्ट एडवाइस करते हैं, उन लोग का स्पेसिफिकेशन पहले एक बार देखते हैं, उन लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि हाँ ये चीज सबसे बेस्ट है, तो ये चीज बेस्ट है, चीज बेस्ट नहीं है तो इसके अंदर ये सब चीज चेंजेस कर सकते हैं उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। ये हुआ 3070 Ti 56,600 मेरे पास मिनिमम है, इसके अंदर आसूस वासूस जैसे ब्रांड है तो 64-65 तक आपको हर एक ब्रांड का मिल जाएगा, आसूस आरओजी जाओगे तो आपको 70 तक मिल जाएगा। ठीक है राहुल भाई, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 3080 के बारे में। 3080 में देखो, 3080 में 10 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 ग्राफिक कार्ड है, 3080 में मेरे पास मिनिमम प्राइसिंग से चालू होता है तो कलरफुल जैसे ब्रांड है 74,500 rupees से चालू होता है कलरफुल। देन इसके बाद में इनो 3D वो सब ब्रांड जाओगे तो 75,500, सोटेक जाओगे तो 77,000, देन इसके अंदर आसूस वासूस जैसे ब्रांड है वो पड़ता है आपको 80,000 rupees का, देन आसूस आरओजी जैसे ब्रांड्स है वो सब 85 कह रहा हूँ चालू होते हैं। तो ये हुआ मिनिमम मेरे पास है 74,500 का 3080 10 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड जो है कलरफुल। देन इसके बाद में है 3080 12 GB का ग्राफिक कार्ड जो चालू होते 88,500 rupees का, 10 GB पहले जो दिया था वो 10 GB का है, ये है 12 GB का, 88,500 का मिनिमम देखा जाए तो 10-12,000 rupees का डिफरेंस है 10 GB और 12 GB के अंदर 3080 का ग्राफिक कार्ड के अंदर। अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे 1,000-2,000 rupees का डिफरेंस में आपको सब ब्रांड्स मिल जाएंगे, सब ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, जो भी चाहिए व्हाट्सअप करो, लिंक दे देंगे, नंबर दे देंगे, आप व्हाट्सअप करो आपको प्राइसिंग मिल जाएगा, सब चीज का प्राइसिंग मिल जाएगा। देन इसके बाद में 3080 Ti कलरफुल ब्रांड है 97,000 rupees का, जो एक टाइम पे 1,50,60,70,000 से चालू होता था, अभी वो 97,000 rupees आ चुका, मतलब देख सकते हो 50,60,000 rupees का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल गया है, और ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाए 50,000-60,000 rupees। इसी तो कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। 97,000 rupees का 3080 Ti कलरफुल ब्रांड का है, गैलेक्स लोगे तो आपको 1,02,000 rupees का है, इनो 3D लोगे 1,03,000 rupees का है, ऑन एन एवरेज 1,000-3,000 rupees 3080 Ti 1,05,1,10 मैक्सिमम उतने तक आपको अच्छे से अच्छा सुप्रीम मैक्स, जैसे MSI का सुप्रीम मैक्स जैसे मॉडल रहते हैं 1,05,000-1,010,000 तक आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप बजट लेके आइए यार, आपका जो भी बजट है आपको पीसी बिल्ड करके दिया जाएगा और एकदम अच्छे अच्छे प्राइसिंग में मिलेगा। ठीक है, और प्राइसिंग का गारंटी देता हूँ, ये प्राइस में आपको कोई दे दिए मैं मान जाऊंगा, ये प्राइसिंग में कोई दे देगा ना, ये प्राइसिंग में दे रहा है बंदा, ये प्राइसिंग में कोई दे दे मैं मान जाऊंगा कि ये प्राइसिंग भाई गारंटी मिल रही है पूरी, और क्या चाहिए यार, ऑल ओवर इंडिया ना, ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, कुरियर हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी चालू है महाराष्ट्र, तो कैश ऑन डिलीवरी चालू है ही है, प्राइस ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया गारंटी देता हूँ, कोई भी भले से कोई भी वीडियो बना दे ये चीज है, अपना प्राइसिंग गारंटी आपको ये प्राइसिंग में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो वीडियो में बोल रहे हैं वही प्राइस आपको मिलेगा, अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे तो इससे कम भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में 3090 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 ग्राफिक कार्ड है, मिनिमम मेरे पास है 1,45,000 rupees से चालू, 1,45,000 rupees का, जो एक टाइम पे 2,30,000-40,000 rupees का, वो 1,45,000 rupees तक आ गया है, 24 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, ये गैलेक्स ब्रांड मिल जाएगा, कलरफुल मिल जाएगा, देन एसुस वेसुस जाओगे 1,47,500 और जोटेक जाओगे तो 1,48,000 rupees का, मतलब 150 के अराउंड आपको 3090 मिल ही जाएगा वैसे। ठीक है, देन इसके बाद में 3090 Ti मेरे पास एक्चुअली MSI ही आया है, आपको कौन सा चाहिए रहेगा तो मेरे को बताओ, 3090 Ti ये भी 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, आपको कौन सा दूसरा ब्रांड चाहिए रहेगा हम लोग मंगा के भी करते हैं, मेरे पास अभी MSI अवेलेबल है 2,02,000 rupees का, एक्चुअली सबसे टॉप वाला मॉडल है, इसके हिसाब से थोड़ा महंगा है, बाकी इसका प्राइसिंग 1,00,000 एंट्री लेवल से चालू करें तो 1,75,000-1,80,000 से चालू हो जाता है, 1,75,000 से हो जाता है, 3090 Ti चालू हो जाता है। ठीक
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एनवीडिया कार्ड के बारे में। ये हुआ पूरा एनवीडिया के कार्ड के बारे में। ये जो भी मैंने सब एनवीडिया के कार्ड बताया आपको, ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ये मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सब प्रॉपर बॉक्स पैक पीस मिलेगा, सब लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलेगा। मेन चीज ये मायने रखते हैं, इधर भी जाओ सब कुछ चेक करके रहो। मैं भले से चलो मेरी बात नहीं करता हूँ, दूसरी जगह भी जाओगे सब चीज चेक करके लो, लेकिन चीज जेन्युइन लो, बस वैसे बस वो चीज है। मतलब जब आपका फुल सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी लो, तभी लो सब एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड। इसके बाद में एएमडी का ग्राफिक कार्ड मैं बताता हूँ। एएमडी का ग्राफिक कार्ड, जैसे मेरे पास आरएक्स 550 का ग्राफिक कार्ड है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास इधर पड़ा हुआ है, आरएक्स 550 का ग्राफिक कार्ड है। प्राइसिंग है आरएक्स 550 में, पास 2GB का ग्राफिक कार्ड भी है, 4GB का ग्राफिक कार्ड भी है। 2GB का जो ग्राफिक कार्ड है मेरे पास 6500 रुपीज से चालू होता है, और इनकेस ये 4GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए आरएक्स 550 का, तो आपको पड़ता है 9500 रुपीज मिनिमम एंट्री लेवल आरएक्स 550 का ग्राफिक कार्ड। बाद में 560, 570, 580 जो सीरीज आते थे सब बंद हो चुके हैं। इधर भी मिलेगा आपको, सब रिफर्बिशिप मिलने वाला है, नया बनाना कंपनी ने बंद कर दिया है। इसके बाद में वो चीज पे खर्चा करते हो तो इससे अच्छा आरएक्स 6400 सबसे बेस्ट है। एएमडी का ग्राफिक कार्ड आरएक्स 6400, आरएक्स 6400 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, 1050 Ti से भी नीचे है, 1050 Ti से भी नीचे है। ये पड़ता है अपने को 14000 रुपीज का, 14000 रुपीज का 1050 Ti जो ले रहा है वो आरएक्स 6400 पे शिफ्ट हो, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब प्राइसिंग भी गैप बहुत, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा कम है। DDR6 ग्राफिक कार्ड देता है 1050 Ti, DDR5 ग्राफिक कार्ड देता है 14000 रुपीज का है। आरएक्स 6400 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड 14000 के अंदर वेरियस ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे गीगाबाइट हुआ, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको MSI का है 14000 MSI, गीगाबाइट हुआ 14500 15000 तक मिल जाता है, पावर कलर हुआ 14500 15000 तक मिल जाता है। ये सब ब्रांड में आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 16000 तक मिल जाएगा, अच्छा टॉप वाला 16000 तक मिल जाएगा, एंट्री लेवल के हिसाब से 14000, 2000 का डिफरेंस है। इसके बाद में RX 6500 XT जो 1650 तक खर्चा करते हैं, 1650 से थोड़ा बजट कम है तो वो जा सकता है आपको 6500 XT के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है? परफॉर्मेंस एक्चुअली 6500 XT रेडियन सॉफ्टवेयर के हिसाब से चला होना 1650 से बेटर परफॉर्मेंस देता है 6500 XT, और एक्चुअली बहुत जन को नॉलेज नहीं है वो चीज का, बहुत जन को नॉलेज नहीं है, लेकिन 1650 से माइनर परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा बेटर देता है 6500 XT। एक्चुअली पब्लिक को क्या है, एनवीडिया और इसके अंदर एएमडी के अंदर है चीज का परफॉर्मेंस, भले से रे ट्रेसिंग में था लेकिन रेडियन सॉफ्टवेयर के हिसाब से FPS ज्यादा मिलता है। 6500 XT 17000 से चालू होता है, मैक्सिमम आपको 21500 तक ट्रिपल फैन तक मिल जाता है, मिनिमम 17000 डुअल फैन और 21000 तक आपको ट्रिपल फैन तक देखने को मिल जाता है। मेरे पास 6500 XT जैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखो MSI का है, 17500 से चालू होता है और इसमें ट्रिपल फैन आपको मैक्सिमम जाना चाहिए, मैक्सिमम जाना ट्रिपल फैन, तो ये देखो 6500 XT मेरे पास ये भी है, ये ट्रिपल फैन 21500 तक आपको मिल जाएगा, और सब चीज लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ। आपको चाहिए तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखाता हूँ 6500 XT, ये देखो मार्च 2022 का, ये मार्च 2022, मार्च अप्रैल मई तक आप जा सकते हो, कि मार्च तक आप मिनिमम से मिनिमम ले सकते हो, कि हाँ मार्च मिनिमम अच्छा है, ये जितना ज्यादा नहीं होगा इतना ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेटर रहता है मार्च अप्रैल में, मैन्युफैक्चरिंग उसके हिसाब से आ रहा है। एक्चुअली एएमडी के ग्राफिक कार्ड थोड़े कम मिल रहे हैं, उसके हिसाब से मार्च के मैन्युफैक्चरिंग मिल सकते हैं। ये हुआ 6500 XT। इसके बाद में RX 6600 जो 3050 लेना चाहता है वो 3050 RX 6600 ले सकता है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा माइनर बेटर है। 6600 मिनिमम चालू होता है मेरे पास 26000 रुपीज से और मैक्सिमम 31-32 26000 में आपको ES ROG ब्रांड मिल जाता है, 26-27500 तक मिल जाता है MSI का ब्रांड, देन MSI हुआ, कलर हुआ, ये हुआ क्या बोलते हैं ES ROG हुआ, 26-27500, देन ASUS हुआ, 31-30 तक मिल जाएगा, 26000 से मिनिमम चालू रहता है। ओके, जैसे 3050 हो गया और 6600 हो गया, तो इनमें से बेस्ट कौन सा होगा? माइनर थोड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से रेडियन सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाओगे तो रेडियन थोड़ा माइनर परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि उसके FPS थोड़े और बेटर है। देन 6600 XT, 6600 XT मेरे पास चालू होता है आपको ES ROG MSI ब्रांड करके है, ES ROG MSI वो पड़ता है अपने को 34500 रुपीज का, 6600 XT, ये भी 8GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 वर्जन है, 8GB का ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे ASUS हुआ, ASUS 37500, मतलब ऑन एन एवरेज 2-3000 रुपए डिफरेंस में आपको हर एक ब्रांड मिल जाएंगे, मिल जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए आप व्हाट्सएप पे डालो, आपको ये मॉडल चाहिए स्पेसिफिक, यही मॉडल चाहिए वही भी मेरे को बताओ कि ये मॉडल चाहिए मेरे को, तो भी मिल जाएगा, अवेलेबल करके करवा के दे दूंगा। जो व्हाट्सएप नंबर है, वो कॉलिंग नंबर है, मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्टली न्यूली लॉन्च हुआ है 6650 XT, 6650 XT, RX 6650 XT, ये पड़ता है अपने को 37150 रुपीज का, न्यूली लॉन्च हुआ है, 37150 का, गीगाबाइट का वर्जन है 37150 का, समझो ना। 6600 XT को मैं कंपैरिजन करूं 3060 से बेटर परफॉर्मेंस देता है, 3060 से बेटर परफॉर्मेंस 6600 XT देता है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1000 रुपए का डिफरेंस है, 6600 XT प्राइसिंग कम है। देन 6700 XT, 6700 XT मेरे पास जो प्राइसिंग चालू होता है MSI का 47700 का, इसको एनवीडिया और इसका है 3070 जो लेना चाहता है, और थोड़ा बजट 5000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, 53 से चालू होता है, तो आप 6700 XT पे शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंड आपके बजट के ऊपर, 47700। देन RX 6800 6900 से चालू होता है, 6900 से 75000 रुपीज तक आपको हर एक ब्रांड का देखने को मिल जाएगा, 6900 से 70, सबसे लेटेस्ट ES ROG हुआ, देन MSI हुआ, ASUS हुआ, हर एक ब्रांड का आपको मिल जाएगा। इसके बाद में 6800 XT 79500 रुपीज का है, पावर कलर ब्रांड का है, 6900 XT, 6800 XT 79500 पावर कलर ब्रांड का। अलग अलग ब्रांड्स में आपको
2,000-3,000 रुपए 4,000 रुपए डिफरेंस में आपको देखने को मिल जाए 85 मैक्सिमम। देन इसके बाद में 6900 XC जो AMD का सबसे टॉप वाला है वो 1,04,500 रुपीज का मेरे पास MSI ब्रांड। अलग अलग ब्रांड्स में जो अभी AS Rock ब्रांड में जाओगे तो एक मतलब 2,000-3,000 रुपए कम हो जाएगा। MSI थोड़ा टॉप प्रीमियम ब्रांड देता है, इस हिसाब से MSI थोड़ा महंगा है। ASUS रहेगा तो और 5,000 रुपीज का डिफरेंस पड़ेगा, मैक्सिमम 1,10,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। हुआ टोटल AMD के ग्राफिक कार्ड्स ऑल इंक्लूसिव GST के साथ, सब जो भी प्राइसिंग बताया सब ऑल इंक्लूसिव GST है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब बताया, ऑल इंक्लूसिव GST है। आपको जो मॉडल चाहिए आपको व्हाट्सएप करो, आपको प्राइसिंग मिल जाएगा, सब लेटेस्ट के लेटेस्ट मिल जाएंगे, सब लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक करो, ट्राई करो, फोन करो, जब भी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी की बातों को सुनो और बाद में ये करो वो करो, वैसा कुछ सेंस नहीं पता, आप चेक करो उसके बाद में पता। इसके बाद में मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास क्वाड्रोस के भी ग्राफिक कार्ड है, ये NVIDIA हुआ, बाद में मेरे पास क्वाड्रोस के भी ग्राफिक, जैसे PNY ब्रांच के आते हैं, PNY और NVIDIA के ब्रांच से आते हैं क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड, तो मेरे पास क्वाड्रो भी है। मैं क्वाड्रो का भी आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। क्वाड्रो में एक्चुअली प्राइसिंग बहुत ज्यादा चल रहे थे अभी बीच में, एक्चुअली ये सब जो क्वाड्रो के ग्राफिक कार्ड है ये एक्चुअली 4-4 मॉनिटर कनेक्ट करना है, 3-3 मॉनिटर कनेक्ट करना है, उसके लिए ज्यादा यूज रहते हैं, और ऐसे एडिटिंग के लिए भी अच्छा यूज होता है वो। क्वाड्रो में मिनिमम मेरे पास चालू है T400 2GB का ग्राफिक कार्ड है, T400 2GB का ग्राफिक कार्ड 8,000 रुपीज से चालू होता है। देन इसके बाद में T400 4GB का ग्राफिक कार्ड है वो 10,000 रुपीज का आता है। देन इसके बाद में T600 4GB का ग्राफिक कार्ड जो बीच में बहुत ज्यादा शॉर्टेज में चल रहा था, अभी उसका प्राइसिंग वो बीच में प्राइसिंग 18-19-20 तक भी गया था, 20 तक, अभी उसका प्राइसिंग है 12,900 रुपीज का। T600 4GB का ग्राफिक कार्ड 12,900। देन इसके बाद में T1000 है 4GB का ग्राफिक कार्ड 21,300 रुपीज का है, T1000। इसके बाद में A2000 है, A2000 6GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को A2000 6GB का 40,400 रुपीज। क्वाड्रो की कार्ड की कैसी परफॉर्मेंस रहती है? अच्छा रहता है एक्चुअली, ये जो एडिटर्स रहते हैं या फिर जिसको 3-3 मॉनिटर 4-4 मॉनिटर कनेक्ट करता ना वो ज्यादा परफॉर्मेंस। देन इसके बाद में A2000 6GB का ग्राफिक कार्ड 40,400 रुपीज का, ये 6GB का ग्राफिक, इसमें सेम टू सेम 12GB का VRAM आता है, वो पड़ता है अपना 46,000 रुपीज का। प्राइसिंग चेक करने के बाद एक बार व्हाट्सअप कर देना या फिर फोन कर देना कि प्राइसिंग ड्रॉप हो रहे, ऐसा नहीं हो रहे, प्राइसिंग ड्रॉप हो रहे हैं, क्या पता इससे भी अच्छा प्राइसिंग, इसके भी प्राइसिंग अच्छा मिल जाए। इसके बाद में RTX 4000 आता है, 8GB का ग्राफिक कार्ड, ये पड़ता है 59,000 रुपीज का RTX 4000। देन इसके बाद में A4000 का ग्राफिक कार्ड है 6GB, RTX 4000 है वो 8GB का ग्राफिक कार्ड है, A4000 है वो 16GB का ग्राफिक कार्ड है। दोनों में फर्क है एक्चुअली, जो रेंडर करते हैं ना उनके लिए जितना ज्यादा VRAM रहता है उतना परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। A4000 16GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने 68,000 रुपीज। इसके बाद में A5000 24GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने 1,56,000 रुपीज का, A5000 24GB का, ये समझो ना 3090 के लेवल का आ गया, 3090 के लेवल का आ गया। हाँ, बाद में मेरे पास सबसे टॉप में ग्राफिक कार्ड है A6000 48GB का ग्राफिक, 48GB का, ये पड़ता है अपने 3,25,000 रुपीज का। तो ये हुआ क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक। अभी ये वीडियो में मैंने NVIDIA AMD और क्वाड्रो के हर एक ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको मैंने सब कुछ बता चुके, लेवल का आपको कौन सा दूसरा ग्राफिक कार्ड चाहिए रहेगा तो आप बताओ, आपको जो चीज चाहिए रहेगा, आपको स्पेसिफिक मॉडल नंबर चाहिए तो वो बताओ, आपको हर एक ग्राफिक कार्ड क्वांटिटी में चाहिए क्वांटिटी में मिलेगा, कम प्राइस मतलब एक पीस चाहिए तो एक पीस मिलेगा, प्राइसिंग जो रहेगा वो बहुत इंक्लूसिव ऑफ GST रहेगा, ये जो भी रहेगा प्राइसिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब प्राइसिंग, अभी आप वीडियो कभी बनता है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग क्या ऊपर नीचे होता रहता है, डिफर भी करेगा, प्राइसिंग कम भी हो सकती है, माइनर डिफरेंस ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जो प्राइसिंग दिया है उसके ऊपर तो अभी तो फिलहाल जानी में नहीं, फिलहाल नहीं जाना है, प्राइसिंग कम ही होना है, मतलब 1,000-2,000 रुपए प्राइसिंग का ड्रॉप आएगा। और एक बार चेक करो वीडियो पे देखा हुआ चीज पे मत जाओ, चीज चेक करोगे जब भी पता चलेगा, मतलब 10 ईयर से बैठे हुए हैं तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्राइसिंग का हिसाब से चीज में आपको जो भी रहेगा सब कुछ प्रॉपर मिलेगा। आप गूगल रिव्यू चेक करो कि गूगल रिव्यू कितना है, कोई भी कंपनी का इतना गूगल रिव्यू 1.4K का गूगल रिव्यू, इतना गूगल रिव्यू का देखो, ये चीज देखो वो चीज देखो, सब चीज में आपको पता चलेगा, आदमी आपको पता चलेगा कि कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है गाइस, हमने आप सभी ग्राफिक कार्ड के बारे में बात की, NVIDIA के कार्ड के बारे में बात की, AMD और क्वाड्रो सीरीज के बारे में बात की, प्राइसिंग एकदम आपको बेस्ट मिली है आपको भी पता है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट लगी प्राइस एकदम मेरे को कमेंट में जरूर बताना, प्राइसिंग का गारंटी है, प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा, चीज में डिफरेंस नहीं आएगा, सब लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सब लेटेस्ट वारंटी के साथ, विद GST बिल चाहिए और कस्टमर को चाहिए क्या चाहिए, और चाहिए क्या, प्राइस चाहिए, प्राइस मिल रहा है, प्राइस चाहिए और ट्रस्ट मिल रहा है, ट्रस्ट मिल रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे को पता है। ठीक है, जल्दी से लाइक ठोक दो। ठीक है, और जो स्टोर का एड्रेस है नंबर है मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और लोकेशन भी डाल दूंगा मैं यहाँ की, आप सीधा आके स्टोर में विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।